नाज़रीन साग डार की वतन वापसी के साथ ही रजीम चेंज ऑपरेशन का एक मरहला अपनी तकमील को पहुंच गया। एक और अदालती मफरूर शख्स की काबीना में वापसी की राह हमवार हो गई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार एक बार फिर वजीर खजाना का मनसब संभालने पाकिस्तान पहुँच गए हैं। 72 रुकनी वफाकी काबीना जिसमें से बेशतर मुलजिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ खुद महीनों से अपने ऊपर फर्द जुर्म की कार्रवाई टालते रहे। ऐसे टोले में एक और मुलजिम की शमूलियत हो गई जो एक वज़ीर आज़म के साथ लंदन फरार हुआ, दूसरे वज़ीर आज़म के साथ वतन वापस आ गया। सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से बड़े जज्बाती रद्द अमल देखने में आया। हर हसास शहरी का दिल दुखा कि कैसे वज़ीर आज़म के खसूसी तैयारे में प्रोटोकॉल के साथ एक मफरूर शख्स को वतन वापस लाया गया। किस तरह इस मुल्क में कानून और इंसाफ का मजाक बनाया गया, किस तरह अदालतों को बेतौकीर किया गया, किस तरह एक शख्स सेनेट का रुकन नामजद होकर भी हलफ नहीं उठाता, चार साल उसकी कुर्सी खाली पड़ी रहती है और उसकी आइनी और कौमी जिम्मेदारी थी जो उसने पूरी नहीं की। मुल्क के कानून साज इदारे में जहाँ कानून साजी होती हो वहाँ कानून को किस तरह से पामाल किया गया, आज उस शख्स ने अपनी रुकनियत का हलफ उठा लिया। कैसा शर्मनाक दिन है ना ये। और मुल्क के सबसे आला ऐवान की कुर्सी यूं खाली पड़ी रहे, कोई उस कुर्सी पर बैठने का मजा, वो कुर्सी मफरूर की वतन वापसी की मुंतजर रही। और अब वो साहब वतन वापस पहुंचकर बड़ी ढिटाई के साथ अपने मकासद बयान कर रहे हैं। ऐसी कोई मिसाल जमहूरी माशरों में नहीं मिलती है। वोट को इज्जतों का नारा लगाने वालों ने जितना बेतौकीर पार्लियामेंट को किया, इसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी आपको। इनके मफादात, इनके अजाइम, इनकी ख्वाहिशात सबसे ऊपर, सबसे बढ़ के कानून इंसाफ पार्लिमान की कोई हैसियत नहीं। ये सब देखकर कौम के हर फर्द का दिल कुड़ता है, बेबस महसूस करता है, हर बंदा खुद को लाचार महसूस करता है। ऐसा महसूस करता है कि दो पाकिस्तान है, एक अमीरों का एक गरीबों का। और अवाम की इसी सोच की तर्जुमानी इमरान खान करते हैं। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के इसी दोहरे मयार को अवाम के सामने बेनकाब किया, खोल खोल कर सारी कहानियां बयान कर दी। ये लोग इक्तदार पर काबिज हैं, किस तरह ये अपने मुफादात का तहफ्फुज़ करते हैं, कैसे इनके बिजनेस रातों रात फलते फूलते हैं, ये सब कुछ होता है रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करके, इख्तियारात इस्तेमाल करके, करप्शन करके। और इन शरीफों की इस करप्शन में इनका पार्टनर इसहाक डार है। नवाज शरीफ ने अपने समदी को ऐसे ही नहीं मुंतखब कर लिया, कौमी खजाने पर डाके, अवाम की दौलत चोरी करने में साझेदारी को इन्होंने रिश्तेदारी में तब्दील कर लिया। वाकई किसी मगरबी माशरे में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वहाँ रिश्तेदारियों पर वजारतें नहीं मिलती। वहाँ रिश्तेदारों में पार्टी अहदे नहीं बांटे जाते। वहाँ बड़ा भाई वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आला नहीं बनता। वहाँ वजीर आजम का समधी वजीर खजाना नहीं बनता। वहाँ बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला नहीं बनता। वहां बाप पार्टी कायद, बेटी नायब सदर और चचा पार्टी सदर नहीं होता। ये सब सिर्फ पाकिस्तान में होता है, बल्कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून का खास है। इसीलिए नजरियाती कारकुनान की एक लंबी फहरिस्त है जो मियां नवाज शरीफ से रास्ते जुदा कर चुकी है। चौधरी बरादरान, शेख रशीद, चौधरी निसार, एजाजुल हक, जावेद हाशमी, कितने नाम लूं, कितने लोग हैं। मियाँ साहब के बहुत करीब समझे जाते थे ना, आज बहुत दूर हैं। और वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि रिश्तेदारों को नवाजा जाता है, ये नेपोटिज्म कह लें, और भाइयों के बाद अब ये सियासी पार्टी जो दूसरी जनरेशन है उसमें मुंतकिल हो रही है। जहां मरियम नवाज, हमजा शहबाज में बाकायदा पार्टी की आदत के लिए आपको पता है किस तरह का ये जो रसाकशी का सिलसिला जारी है, चल रहा है। अच्छा, अगर आप शरीफ खानदान से रिश्तेदारी नहीं कर लेते तब तक आपका पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं।